धनवान बनना चाहते हैं तो पहले जान ले चाणक्य की ये बात, कभी नहीं होंगे कंगाल। चाणक्य के अनुसार धन अर्जित करना जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन धन के मामले में व्यक्ति को कब कहां सतर्कता बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। चाणक्य ने कमाई, व्यय, भोग और निवेश से विषय पर विस्तार से अपने विचार पेश किए हैं। चाणक्य के अनुसार धन अर्जित करना जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चाणक्य नीति में ये बखूबी बताया गया है कि धन के मामले में व्यक्ति को कब कहां सतर्कता बरतनी चाहिए। इन्हें अपनाकर ना सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं बल्कि एक सफल इंसान भी बन सकते हैं। उपार्जिताना वित्ताना त्याग भी रक्षणाम तदागोदर संस्थाना परिश्रव एवं साम। धन खर्च है बेहद जरूरी। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे धन के खर्च और उसे बचाने का तरीका पता होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा बचाना अनुचित है। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे तालाब का पानी ज्यादा दिन तक एक जगह इकट्ठा रहने से सड़ जाता है, ठीक वैसे ही ज्यादा दिन तक पैसों को बचा कर रखने से भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। धन व्यय के लिए दान सबसे अच्छा तरीका है। दान से धन कम नहीं होता बल्कि दोगुना बढ़ता है। सही कामों में पैसा निवेश करना चाहिए, यही धन की रक्षा के समान है। सुरक्षित भविष्य के लिए धन की बचत करें। चाणक्य कहते हैं कि पैसों का सदुपयोग करते रहना चाहिए, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, साथ ही पैसों पर निवेश के लिए उपयोग करें। आज के समय की बात करें तो इंश्योरेंस, स्वास्थ्य योजनाओं, शिक्षा योजनाओं में निवेश जरूर करें। ये न सिर्फ मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे बल्कि भविष्य भी संवर जाएगा। धन के मोह और अहंकार न करें। धन के लालच में व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। पैसा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और कभी सुखी नहीं रह पाता। चाणक्य कहते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार न करें। जो धन का दिखावा करते हैं वह गरीबी की कगार पर आ जाते हैं। ये एक गलती राजा को बना देती है रंग। धन हमेशा सही तरीके से कमाया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया धन कुछ समय तक ही साथ देता है। चाणक्य के अनुसार अनैतिक तरीकों की गई कमाई बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। ऐसे धन की आयु मात्र 10 साल होती है। इन 10 सालों में भी व्यक्ति का धन पानी की तरह बहता है। किसी न किसी काम में अनावश्यक खर्च करना ही पड़ता है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा।